दूसरे वनडे मैच के प्लेइंग 11 से शिखर धवन ने किया सूर्य कुमार यादव को बाहर। तो दोस्तों आखिर शिखर धवन ने किया सूर्य कुमार यादव को प्लेइंग 11 से बाहर आखिर क्यों, बताएंगे आपको पूरे खबर की जानकारी, वो भी पूरे डिटेल के माध्यम से कि क्यों किए शिखर धवन वो भी सूर्य कुमार यादव को बाहर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बिना समय लेते हुए आइए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों अब बताना चाहते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच जो कि वनडे मैच का शुरुआत हो गया है। और दोस्तों पहले वनडे जो कि सूर्य कुमार यादव खेले थे, लेकिन उसके बाद आपको बताना चाहते हैं कि सूर्य कुमार यादव को दूसरे वनडे के प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है, जिस मैच की कप्तानी करते हुए शिखर धवन है। और दोस्तों शिखर धवन ने एक नई प्लेइंग 11 घोषित कर दिया और जिसमें कि सूर्य कुमार यादव का नाम नहीं लिया गया है। और दोस्तों वह प्लेइंग 11 बताना चाहते हैं कि सूर्य कुमार यादव को छोड़कर सभी खिलाड़ी हैं पहला में, जो कि शिखर धवन और उसके बाद श्रेयस अय्यर, शुभम गिल और संजू सैमसंग, ऋषभ पंत, इन सभी खिलाड़ियों का नाम है। लेकिन वहीं पर सूर्य कुमार यादव का नाम नहीं लिया गया है। लेकिन दोस्तों कुछ फैंसों ने उनसे सवाल खड़े किए तो शिखर धवन का कहना है कि सूर्य कुमार यादव के पैर में चोट लग जाने की वजह से सूर्य कुमार यादव को आराम दे दिया गया है दूसरे वनडे मैच खेलने से, लेकिन इसी वजह से सूर्य कुमार यादव का प्लेइंग 11 में नाम नहीं आ पाया है। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहते हैं सूर्य कुमार यादव एक विस्फोटक बल्लेबाज है और दोस्तों वह उनके बल्ला जब चलने लगती है तो अच्छे अच्छे बॉलरों की हवा निकल जाती है। लेकिन इस मैच में जो कि पहला मैच हुआ उसमें जो कि सूर्य कुमार यादव अच्छे प्रदर्शन में नहीं दिखे, जिस वजह से उन्हें लगता है कि प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है और दोस्तों उसे चोटिल बताकर इस बात को टाला गया है। लेकिन दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे सूर्य कुमार यादव को इस तरह से प्लेइंग 11 से बाहर होने के बारे में, आप अपनी रिकमेंड बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों।